जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम लोग 1857 का विद्रोह देखेंगे, जो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में UPPCS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों 1857 से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एग्जाम कोई सा भी हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 1857 का विद्रोह। दोस्तों इसमें सबसे पहले पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसकी पृष्ठभूमि पता होगी तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1599 में लंदन में EIC की स्थापना होती है। EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1599 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना क्यों की जाती है? भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको स्थापित किया जाता है। उसी वक्त दोस्तों एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, ये वहाँ की सम्राट थी, और इन्होंने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों की एकाधिकार की अनुमति दी। इन्होंने कहा, आप भारत और भारत के पूर्वी देशों में जाइए, वहां पर व्यापार कीजिए, लेकिन मात्र सिर्फ 15 वर्षों तक। अब 15 वर्षों का जब व्यापार करने की अनुमति मिल गई, तो दोस्तों 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, तो दोस्तों जेम्स फर्स्ट जो है सम्राट बनता है एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जेम्स फर्स्ट जब सम्राट बनता है, तो ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसे दोस्तों आजीवन कर देता है, क्योंकि यहां पर तो इसको 15 वर्षों का मिला था, लेकिन जेम्स फर्स्ट ने क्या करा, EIC को आजीवन कर दिया, यानी कि जब तक चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो वैसा व्यापार यहाँ पर कर सकते हो, जितने लंबे समय तक, क्योंकि आजीवन कर दिया। साथ ही साथ ये जेम्स फर्स्ट जो है अपने दो राजदूत भारत भेजता है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि जेम्स फर्स्ट जो है वो अपने दो राजदूत कौन भेजता है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, एक तो है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है ये सबसे पहले भारत आता है जहांगीर के समय। जहांगीर के मिलने दोस्तों ये आगरा में आता है, क्योंकि इसकी मुलाकात आगरा में जहांगीर से होती है, और जहांगीर दोस्तों हॉकिंस को इंग्लिश खा की उपाधि देता है। साथ ही साथ जहांगीर जो है 400 मनसब भी दिए, लेकिन दोस्तों जहांगीर ने हॉकिंस को एक चीज नहीं दी, वो था व्यापार करने की अनुमति। क्योंकि यहाँ पर जेम्स फर्स्ट जो है अपने दो राजदूत भेजता है अलग अलग समय पर। तो सबसे पहला राजदूत भेजता है विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जो है आगरा में जहांगीर से मिलता है। जहांगीर दोस्तों हॉकिंस को इंग्लिश खा की उपाधि देता है, साथ ही साथ ये 400 मनसब भी देता है, लेकिन जहांगीर इसे व्यापार करने की अनुमति नहीं देता। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले कौन आया था, तो ध्यान रखिएगा हॉकिंस। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इंग्लिश खा की उपाधि हॉकिंस को किसने दी, तो जहांगीर ने। या ये पूछा जाता है कि किसे जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, तो ध्यान रखिएगा हॉकिंस को जो है व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है। कुछ समय बाद दोस्तों जेम्स फर्स्ट जो है अपना दूसरा राजदूत भेजता है, वो है सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ 1615 में ये भारत आता है और जहांगीर से अजमेर में मिलता है। आप जानते हैं कि अजमेर का किला है राजस्थान में, तो अजमेर के किले में ही ये जहांगीर से मिलता है सर थॉमस रॉ। और जब मिलता है तो यहीं पर जहांगीर जो है सर थॉमस रॉ को व्यापार की अनुमति दे देता है। तो सिंपल सी बात है,
आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जहांगीर ने किसे व्यापार करने की अनुमति दी, तो ध्यान रखिएगा सर थॉमस रॉ को। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक व्यापारी कोठियां खोली और वो थी पहली सूरत और दूसरी मछलीपट्टनम। आपसे एग्जाम पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोठी कहां पर खोली, तो ध्यान रखिएगा सूरत, और दक्षिण भारत में सबसे पहले कहां खोली, तो मछलीपट्टनम। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1600 से लेकर 1757 तक एक शुद्ध व्यापारी कंपनी के रूप में व्यापार करती रहती है। तो ध्यान रखिए पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शुद्ध व्यापारी कंपनी के रूप में कब से कब तक रही, तो ध्यान रखिएगा 1600 लेकर 1757 तक। शुद्ध व्यापारी कंपनी का मतलब है कि 1757 तक इसने दोस्तों भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी शासन करने के बारे में नहीं सोचा, ना ही भारत पर अधिकार करने का सोचा, मात्र सिर्फ व्यापार करने के बारे में ही सोच रही थी ये कंपनी। लेकिन दोस्तों 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। राजनीतिक शक्ति के रूप में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर जो है इसके हाथ में आ गई। कब? 1757 में, क्योंकि 1757 में तो ये शुद्ध व्यापारी कंपनी के रूप में रही, मात्र सिर्फ व्यापार करने से इसको मतलब था और किसी चीज से कुछ भी मतलब नहीं था। लेकिन 1757 आते ही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बनती है। अब आप सोचेंगे कि ये राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे बन गई। आप जानते हैं कि 1757 में एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। उसी प्लासी के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आ जाती है। तो आइए जरा इसको देखते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है तो उसका कारण क्या था, हमने आपको बताया वो था प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है। अब प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करती है, बंगाल पर नियंत्रण कर लेती है। अब जब बंगाल पर इसका नियंत्रण हो गया तो सीधी सी बात है राजनीतिक शक्ति तो वैसी ही स्थापित हो जाएगी। प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर जाफर। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो ये सब कुछ दोस्तों अंग्रेजों पर लुटा देता है और ये पूरी तरीके से बंगाल को कंगाल कर देता है। अब जब मीर जाफर की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है तो मीर जाफर क्या करता है, अपने दामाद को अगला नवाब बनाता है बंगाल का। तो मीर जाफर के बाद इसका दामाद बनता है मीर कासिम बंगाल का नवाब। जब मीर कासिम दोस्तों बंगाल का नवाब बनता है तो ये बहुत ही योग्य नवाब होता है, इतना कौशल और इतना योग्य होता है कि सब कुछ सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन इसकी सत्ता जो है अंग्रेज चलने नहीं देते क्योंकि ये बहुत ही योग्य होता है। जब ये मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो इसके बीच तीन युद्ध होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। तो मीर कासिम में कौन कौन से युद्ध हुए ये ध्यान रखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक युद्ध होता है मनिहारी युद्ध, दूसरा होता है गिरिया का युद्ध। ये गिरिया का युद्ध ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और तीसरा युद्ध होता है गोद गोमिल का युद्ध।
तो आपने देखा तीन युद्ध जो है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, मनिहारी, गिरिया का युद्ध और उद गोमिल का युद्ध। ये गिरिया का युद्ध को नोट करके रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है किनके बीच लड़ा गया। जब ये तीन युद्ध हुए तो इसमें दोस्तों मीर कासिम क्या होता है, पराजित हो जाता है। जब ये पराजित हो जाता है तो ये यहाँ से भाग जाता है और अवध के नवाब वहां पर शरण ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया जाता है क्योंकि मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। तीनों युद्धों में इसकी हार हो जाती है। जब तीनों युद्धों में हार हो जाती है और मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो दोस्तों फिर से एक युद्ध लड़ा जाता है, बक्सर का युद्ध 1764 में। क्योंकि मीर कासिम भागकर दोस्तों शाह आलम सेकंड और सुजाद-उद-दौला की शरण में चला जाता है। उसके बाद युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 का युद्ध, ये आप देखेंगे बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इसमें कौन कौन से लोग थे ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो वही था दोस्तों मीर कासिम, जो यहाँ से पराजित होने के बाद ये शाह आलम सेकंड सुजाद-उद-दौला की शरण में चला गया था। और दो लोग होते हैं, शाह आलम सेकंड और सुजाद-उद-दौला। सुजाद-उद-दौला जो है ये अवध का नवाब होता है और शाह आलम सेकंड जो है ये मुगल बादशाह होता है। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और हेक्टर मुंडरो, इनके बीच दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 1764 में, जिसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया की सेना और हेक्टर मुंडरो की लड़ाई जो होती है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो इसका पूरी तरीके से भारत पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, 1764 में अपने साम्राज्य की स्थापना कर लेती है। अब जब साम्राज्य की स्थापना ये कर लेती है तो ये दोस्तों 1764 से लेकर 1849 तक अपने साम्राज्य का विस्तार करती है और युद्ध लड़ती है। 1764 से लेकर 1849 तक दोस्तों ये मैसूर युद्ध करती है, मराठा युद्ध करती है और सिख युद्ध करती है और अपने साम्राज्य का विस्तार करती है। तो ये दोस्तों 1857 के विद्रोह का पृष्ठभूमि थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।